Hello, mommies. Hello, everyone. Welcome to Boss Babies, Kyra, Myra. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने स्टरलाइजर को क्लीन कैसे करें। मैं फिलिप्स का इलेक्ट्रिक स्टीम स्टरलाइजर यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये एक साथ 6 बॉटल्स को स्टरलाइज कर देता है, बट देखा गया है कि रेगुलर इस्तेमाल के बाद स्केलिंग हो जाती है, जिसको हमें रेगुलरली साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं जो मेटल प्लेट पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये करना ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज यहीं से स्टीम बनकर आपके बच्चे की बॉटल्स को टच करती है, निप्पल को टच करती है और वो बच्चा फीडिंग के लिए यूज़ करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेगुलरली इसको क्लीन करें। सबसे पहले आप इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको फेंक दें या एक कपड़े से पोंछ लें। अब जब आपने एक्स्ट्रा पानी फेंक दिया है तो एक साफ़ कपड़ा लो और जो भी रिमूव कर सकते हो आप उसको अच्छे से पोंछ लो, ताकि हमारे लिए इसको डीस्केल करना आसान हो जाए थोड़ा। सबसे पहले आप 1 टेबलस्पून विनेगर लो। ये घर में जो हम खाना बनाने के लिए विनेगर यूज़ करते हैं वही विनेगर है। और रेस्ट पानी से भर दो उस प्लेट को और बटन को ऑन कर दो। डीस्केलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। ये लगभग 6 मिनट लेगा। मैं ये एक्सरसाइज हर 10 से 15 दिन में करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ये स्टरलाइजर मेरे रेगुलर यूज़ करने पे 10 दिन में ये स्केलिंग दिखने लग जाती है इसके अंदर। स्टरलाइजर की बास्केट्स को क्लीन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अपने बेबी की बॉटल्स, निप्पल, कवर सब कुछ रखते हो, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इसको भी रेगुलरली साफ़ करो। मैं इसकी सफाई हर दूसरे तीसरे दिन कर लेती हूँ और इसको क्लीन करने के लिए अगेन मैंने बॉटल क्लीनर, जो मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ, मैं वही लवलैप का क्लीनर यूज़ कर रही हूँ इसको साफ़ करने के लिए। और मैं इसको साफ करने के लिए वार्म वाटर ले रही हूँ। जब आप इसको धो के साइड में रख दें तो इसको ड्राई होने दें और बाद में इसको एक साफ़ कपड़े से पोंछ लें यूज़ करने से पहले। छः मिनट पूरे हो चुके हैं और प्लेट ऐसी दिख रही है। मैंने एक कपड़ा लिया है जो थोड़ा गीला कर लिया है मैंने, और मैंने इसको पोंछ दिया है और आप देख सकते हो ये काफ़ी साफ दिख रही है। अब जो पोंछने के लिए मैंने कपड़ा लिया है उसको मैंने गर्म पानी में धो लिया था और मैं फिर उसको यूज़ कर रही हूँ इस प्लेट को साफ़ करने के लिए। सो आप देख सकते हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे रेगुलरली क्लीन करो। बॉटल्स स्टरलाइज करने से पहले एक बार आप स्टरलाइजर को साफ पानी डाल के चला लो। नाउ योर स्टरलाइजर इज रेडी टू बी यूज्ड। आप अपनी बॉटल्स को स्टरलाइज कर सकते हो एंड इट इज डन। हर बार यूज के बाद स्टरलाइजर की प्लेट को एक गीले कपड़े से जरूर पोंछें। I hope you like this video. Please share and subscribe to Boss Babies Kyra Myra.